बच्चों, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बात कर ली थी एविज वर्ग के कोलम्बा लीबिया तक बात कर चुके थे। उसके बाद में वर्ग आता है आपका कौन सा, स्तनी वर्ग या मैमल वर्ग हम लोग पढ़ते हैं, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांस कंडीशन है, जो कि क्या है, एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा एडवांस क्लास है। ठीक है ना, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे फाइलम, सॉरी क्लास मैमल या स्तन वर्ग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पढ़ना क्या है हमको। आज हमको पढ़ना है रैबिट के बारे में, खरगोश। ठीक है ना, जिसका एक्चुअल में नाम होता है ऑरेक्टोलेगस। क्या होता है? ऑरेक्टोलेगस। ठीक है ना, तो सबसे पहले की तरह, हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले लिखते हैं फाइलम, और फाइलम हमारा है कॉर्डेटा। फाइलम हमारा है कॉर्डेटा। उसके बाद में हम लिखते हैं सब फाइलम, जो कि हमारा है वर्टिब्रेटा। ठीक है ना, जो कि हमारे क्या है, वर्टिब्रेटा। फिर उसके बाद में लिखी जाती है सुपर क्लास, सुपर क्लास जो कि क्या है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है चार, पोडा होता है पैर। ठीक है ना, फोर लेग्स आर प्रेजेंट, दो पैर या दो जोड़ी पांव उपस्थित या चार पांव उपस्थित, सुपर क्लास। ठीक है, क्या हो जाएगी, टेट्रापोडा हो जाए। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लास, क्लास की हो जाएगी इसकी मेमेलिया, जो कि हमने ऊपर भी लिखा हुआ है मेमेलिया, क्योंकि स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका मेन करेक्टर है, ये क्या है, इसका मेन करेक्टर है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या, सब क्लास। सब क्लास क्या होती है, थीरिया। सब क्लास क्या हो जाएगी, थीरिया। अब थीरिया हमने क्यों बोला है, ये क्या है, जरायुज प्रकार का या वी पेरस एनिमल है, मतलब ये डायरेक्ट क्या होता है, बच्चों को जन्म देता है। ठीक है ना, अब ममेलिया जो क्लास है, ममेलिया जो क्लास है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे। ममेलिया की यदि बात की जाए, ठीक है ना, ममेलिया क्लास की, इसको हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, एक प्रोटोथीरिया, एक होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है थीरिया। प्रोटो का एक्चुअली मतलब होता है पुराना, ओल्ड। ठीक है ना, थीरिया वर्ल्ड हमेशा रिलेट करता है किससे, मैमल से। थीरिया वर्ल्ड किससे रिलेट करता है, मैमल से। तो ऐसा कोई भी एनिमल जो कि स्तनी तो हो, जिसमें स्तनी का तो हो, निर्माण हो, लेकिन क्या हो, ओवी पैरस प्रकार का हो, मतलब अंडजी जंतु हो, डायरेक्ट बच्चों को जन्म न देकर क्या करता है, अंडों को देता है, अंडे से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के हम एनिमल्स को हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोथीरिया में। फिर बात की जाए थीरिया की, थीरिया क्या है, विकसित प्रकार के, विकसित स्तनी। ठीक है ना, विकसित प्रकार के क्या होंगे, स्तनी। अब थीरिया को भी हमने क्या है, दो भागों में बांट दिया, एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है मेटाथीरिया, एक होता है यूथीरिया। यू का एक्चुअल मतलब होता है ट्रू,
यू का एक्चुअल मतलब होता है ट्रू, या बोल सकते हैं मॉडर्न। जैसे कि हम यू के एरियोड्स पढ़ते हैं, यू वर्ल्ड जहाँ लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है मॉडर्न टाइम, ठीक है ना। मेटा का मतलब होता है प्रोटो और यू के बीच की स्थिति, प्रोटो और यू के बीच की स्थिति। तो ऐसा कोई एनिमल जो कि क्या करता है, बच्चों को तो जन्म देता है, वीवीपैरस तो होते हैं, वीवीपैरस तो होते हैं, लेकिन ये जो विकसित शिशु होते हैं क्या होते हैं, अर्धविकसित होते हैं। शिशु क्या होते हैं, अर्धविकसित शिशु, ठीक है ना। अब इनको विकास के लिए क्या करता है, अपने शरीर में पाए जाने वाले ब्रूड पाउच के अंदर या मार्सुपियल थैली के अंदर क्या करता है, रखता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसी मैक्रोपस की, मैक्रोपस की बात करते हैं, जैसे कि कंगारू का हम यूज़ में लेते हैं। मेटाथीरिया में क्या हुआ, उसने क्या हुआ था, वीवीपैरस था, अर्धविकसित शिशु को जन्म दिया, विकास के लिए क्या करा, अपनी जो मार्सुपियल पाउच होता है, मार्सुपियल थैली होती है, उसके अंदर विकास के लिए अपने शिशु को रखता है, जहाँ पे उसका क्या होता है, विकास होता है, ठीक है ना। तो ये अर्धविकसित शिशु को जन्म देंगे। यूथीरिया में क्या होंगे, सुविकसित शिशु का जन्म, जन्म कैसे होगा, सुविकसित शिशु का यहाँ पे क्या होगा, जन्म होंगे, जो कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्राइमेट्स की, बंदरों की, ठीक है ना, और भी सारे कैटल्स की बात कर सकते हैं, ह्यूमन की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बांट सकते थे मेमेलिया को, है ना। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, क्लास मेमेलिया। मेमेलिया को हमने बात की किसमें, तीन, दो में बांट दी हमने, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। फिर हमने बात की सब क्लास की, किसकी बात की हमने, सब क्लास की बात की। सब क्लास क्या हो गई यहाँ पे, थीरिया हो गई। सब क्लास क्या हो गई यहाँ पे, थीरिया हो गई, थीरिया हो गई। फिर ठीक है ना, फिर बात की जाए तो इन्फ्रा क्लास की, किसकी बात की जाए, इन्फ्रा क्लास की। हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, ऑरेक्टोलेगस को पढ़ रहे हैं, मतलब खरगोश को पढ़ रहे हैं। खरगोश आता है किसमें, यूथीरिया में। खरगोश आता है हमेशा यूथीरिया में, क्या होता है, सुविकसित शिशुओं को जन्म देने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमेशा, सॉरी, थीरिया, यूथीरिया, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं सुविकसित शिशु का जन्म, सुविकसित शिशु का क्या होगा यहाँ पे, जन्म होगा, ठीक है ना। एक कंडीशन ही हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये बात की जाए ऑर्डर की, ऑर्डर, ऑर्डर इसका होता है लेगामॉर्फ, ऑर्डर इसका होता है क्या, लेगा मॉर्फ, ठीक है ना। फिर बात आती है किसकी, फैमिली की, फैमिली होती है इसकी लिपोरिडी, लिपोरिडी फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, लिपोरिडी हो जाएगी, ठीक है ना। जीनस होगा इसका ऑरेक्टोलेगस, जीनस क्या हो जाएगा इसका, ऑरेक्टोलेगस हो जाएगा। स्पीशीज होगी इसकी, स्पीशीज होगी क्यूनिकुलस, क्यूनिकुलस, ठीक है ना। ऑरेक्टोलेगस, ओके, ऑरेक्टोलेगस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑरेक्टोलेगस को, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, किसी भी जंतु को पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद में बात की जाती है किसके, आवास की, ठीक है ना, बात की जाती है उसके आवास की, वह स्वभाव की, ठीक है ना। तो इसका आवास क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, बिलकारी जंतु हैं। बिलकारी मतलब ये कह सकते हैं फ्रसोरियल टाइप के हैं, ठीक है ना, फ्रेसोरियल एनिमल, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होंगे, बिलकारी जंतु है, साथ ही साथ क्या करेंगे, बिल में सुरंग बनाकर रहते हैं, ठीक है ना। बिल में क्या रहेंगे, सुरंग बनाकर, और परिवार के साथ रहते हैं, मतलब कॉलोनियल टाइप के। वह स्वभाव क्या हो जाएगा, समूह में पाए जाते हैं, ठीक है ना, समूह में क्या होंगे, पाए जा सकते हैं। फिर बात की जाए इसके भोजन की, फूड की, ओके, फूड क्या हो गया इसका, पूर्ण रूप से शाकाहारी जंतु है, कह सकते हैं सर्वाहारी जंतु है, ठीक है।
शक पूर्ण पूर्णतया शाकाहारी हर्बीवोरस। जंतु है ठीक है ना, पूर्ण रूप से क्या होता है शाकाहारी जंतु होता है। अब यदि बात की जाए इसके शारीरिक विभाजन की बात की जाए या देह के भाग की बात की जाए, बॉडी डिवीजन की बात की जाए, देह के भाग बॉडी डिवीजन की बात की जाए, ठीक है ना। तो बॉडी डिवीजन में क्या कैसे कह सकते हैं हम लोग इसका, शरीर के चार भागों में, हेड नेक ट्रंक ट्रंक और टेल में, मतलब सिर ग्रीवा धड़ और पुच्छ में क्या होता है विभक्त पाया जाता है शरीर। सिर हेड ठीक है ना, नेक धड़ ट्रंक में टेल में पुच्छ टेल में विभक्त, ठीक है ना। सही चार भागों में विभक्त पाया जाता है, सिर में नेक में धड़ में और पूंछ में या टेल में विभक्त पाया जाता है। अब इसके यदि सिर की बात की जाती है, सिर पे क्या होता है नोस्ट्रिल पाया जाता है, सिर पे क्या होता है नोस्ट्रिल पाया जाता है, या कह सकते हैं अग्रस्त सिरा क्या होता है फूलकर कोमल हो जाता है, अग्रस्त एंटीरियर पार्ट ठीक है ना, अग्रस्त सिरा फूल कर बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, बड़ा हो जाता है कोमल हो जाता है, बड़ा हो जाता है कोमल हो जाता है, ठीक है ना। यह है एक जोड़ी मोटे या मांसल कह सकते थे, फ्लैशी कह सकते थे, वह कोमल होठों से घिरा हुआ होता है। हमने बात की अग्रस्त सिरा क्या हो गया फूलकर बड़ा हो गया, इस पे क्या पाए जाएंगे लॉस्टल पाए जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे कुछ फ्लैशी हो जाता है, उनकी जो त्वचा होती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, और साथ ही साथ कोमल पाए जा कोमल हो जाती है, मतलब उस पे क्या पाए जाते हैं रोम पाए जाते हैं, जो कि उसको क्या बनाते हैं सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, क्या बनाने का सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। और बात की जाए यदि तो इनमें जो कृंतक दांत होते हैं, कृंतक जिन्हें इंसाइजर बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंसाइजर दंत, आकार में बड़े हो जाते हैं तथा, आकार में क्या हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तथा होठों से बाहर निकले हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना। आकार में बड़े होकर क्या हो जाते हैं होठ से बाहर निकल जाते हैं। अभी जो आगे का फूला हुआ भाग था इसको हमने बोला स्नाउट पर, ठीक है ना, स्नाउट पर क्या होंगे एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, प्रोथ पर एक जोड़ी नासा छिद्रीय नोस्ट्रल क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी नासा छिद्रीय नोस्ट्रल पाए जाते हैं, क्या होंगे ये भी क्या होंगे थोड़ा ड्राइनेस पाई जाती है, म्यूकस लेयर पाई जाती है क्योंकि, ठीक है ना, कोमल पाए जाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या होते हैं कोमल पाए जाते हैं। नेत्रों पर पलके नेत्रों पर क्या पाए जाएंगे पलके पाए जाती है, ठीक है, नेत्रों पर क्या पलके पाए जाए। अब बात की जाए ग्रीवा भाग की या नेक रीजन की, तो नेक रीजन का ओनली इतना काम होता है ये क्या करती है सिर को धड़ से
जोड़ने का कार्य, सिर को क्या करती है धड़ से जोड़ने का कार्य करती है, साथ ही साथ क्या होती है कोमल प्रकार की होती है, ठीक है ना। और इसको 180 डिग्री पर क्या हो सकता, 360 डिग्री पर क्या हो सकता है घुमाया जा सकता है, सभी दिशाओं में घुमाया जा सकता है। फिर यदि बात की जाए इसके धड़पात किया ट्रंक रीजन की, ठीक है ना, धड़पात किया ट्रंक रीजन की, ठीक है, तो ये क्या होगा बेलनाकार पाया जाए, ठीक है, बेलनाकार पाया जाए। और साथ ही साथ क्या हो आगे की तरफ बेलनाकार पाया जाता है। अगर थर्ड रीजन की और भी बात की जाए तो ये कह सकते हैं हम लोग स्टर्नम पाया जाता है, ठीक है ना, छाती में या ट्रंक रीजन में, धड़ भाग में पसलियां, रिप्स जिसकी बात करते हैं हम लोग, पसलियां, रिप्स पाई जाती हैं, जो कि अग्र आगे की ओर स्टर्नम तथा पीछे की ओर किससे नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड से जुड़ी होती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से घूमती हुई पाई जाती हैं। इस प्रकार से घूमती हुई पाई जाती है आगे की तरफ, जो हमने बात की किससे जुड़ी हुई पाई जाएंगी रिप्स स्टर्नम से, पीछे की तरफ किससे नोटोकॉर्ड से जुड़ी हुई पाई जाए, ठीक है ना, पीछे की तरफ क्या होती है नोटोकॉर्ड से जुड़ी हुई पाई जाए। और साथ में अगर यदि बात की जाए तो क्या होती है नर व मादा में स्तन ग्रंथियां या इन्हें बोल जाते हैं मिल्क ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, दुग्ध ग्रंथियां, मिल्क ग्लैंड्स क्या होंगी पाई जाएंगी नर में, जो कि नर में अविकसित होंगी। मिल्क ग्लैंड्स पाए जाएंगे मेल और फीमेल में, जो कि क्या होंगी मेल में अविकसित होंगी, मतलब जिनसे लैक्टेशन नहीं होगा, दुग्धपान नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। फिर बात की जाती है क्या जो ट्रंक रीजन है, दो जोड़ी टांगे पाई जाती हैं जिनमें अग्रपांव होते हैं क्या होते हैं छोटे पाए जाते हैं। अग्रपाद छोटे व पश्चपाद बड़े व उछलने के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है ना, उछलने के क्या होंगे अनुकूल पाए जाएंगे, ओके। फिर बात की यदि पूछ किया टेल पार्ट की, किसकी पूछ किया टेल पार्ट की, तो क्या होगी गुदा भाग के पीछे की और कुछ पाई जाती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करती है पूछों को जमीन पर उठाकर पटकता है, जो कि क्या है चेतावनी का संकेत होता है। अगर इनमें बात की जाए लैंगिक द्विरूपता, तो इसमें इस प्रकार से कह सकते हैं लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म
पाई जाती है, मतलब अर्थात नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं। नर व मादा क्या होंगे यहाँ पे, अलग अलग पाए जाएंगे। ओके, इनकी जनन क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज पाती है, कह सकते हैं हम लोग 6 महीने में क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं शिशु, ये कह सकते हैं हम लोग। मादा एक वर्ष में 4 बार बच्चों को जन्म देती है तथा एक बार में 5 से 8 तक बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है ना, हमने क्या बात की, एक साल के अंदर एक फीमेल ऑर्किटोलेगस क्या होगी, 4 बार बच्चों को जन्म देती है, एक बार में 5 से 8 तक बच्चों को क्या दे जन्म देती है। गर्भावस्था की बात की जाए तो गर्भावस्था का टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा न्यून पाया जाता है, कम पाया जाता है। गर्भावस्था केवल 28 से 30 दिन की होती है। गर्भावस्था या गेस्टेशन पीरियड जिसे बोला जाता है, पीरियड 28 से 30 डेज का होता है। ठीक है ना, 28 से 30 दिन का ही होगा। ठीक है ना, और ये जो शिशु होंगे, शिशु 6 माह में या 6 मंथ में क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है ना, 6 महीने में क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे। शिशु 6 माह में पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है ना, शिशु क्या हो जाएंगे, 6 माह में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे। और इनका जो लाइफ साइकिल है, इनकी जो ये कह सकते हैं हम लोग जीवन काल है, तथा खरगोश का जीवन काल 8 वर्ष का होता है। ठीक है ना, खरगोश का जीवन काल क्या होगा, 8 वर्ष का होता है। आज हमने बात किया खरगोश की, बात किया, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।